धर्म की नगरी काशी के बनारस संगीत घराने को लगातार देश और विदेश में सम्मान और मान दिया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बनारस घराने के शहनाई पुरोधा दुर्गा प्रसन्ना को आमंत्रित किया गया है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज उन्हें फोन द्वारा ये सूचना दी गई। दुर्गा प्रसन्ना का परिवार पीढ़ियों से शहनाई की विधा में अपनी छाप छोड़ रहा है। उनसे इस संबंध में बातचीत की गई, जिसमें दुर्गा प्रसन्ना ने कहा कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज से फोन आया और बताया गया कि आपको श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शहनाई वादन करना है। इस संबंध में अभी कोई लिखित आमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन इस आमंत्रण के बाद रोम रोम पुलकित हो उठा है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है और उनके 500 वर्षों के वनवास के बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय मंगल ध्वनि बजाना सुखद अनुभूति होगी। शहनाई वादक दुर्गा प्रसन्ना ने बताया कि उनके दादा खजरान शास्त्री और पिता सहती राम प्रसन्ना भी शहनाई वादक थे और शहनाई का ये हुनर उन्होंने हमें भी दिया। 7 साल की उम्र से वे शहनाई पर राग छेड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिता ने हमें शुरू से ही शहनाई में फूंक मारने और राग की ट्रेनिंग दी, जिसे हमने युवावस्था तक आते आते पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया और शहनाई वादन के लिए पूरे भारत सहित पूरे विश्व में जा चुके हैं। ये है आपको मौका, किस तरह का चाह रहा है, क्या करना चाह रहे हैं आप देश के नाम रोशन के लिए? हमें जो बहुत खुशी है, अब बहुत पूरी भारत की खुशी है, पूरी देश की खुशी है कि मैं रामचंद्र जी का जो है 500 साल पुराना, कई हजार साल पुराना है, आज जो है स्थापित हुए हैं अपने स्थान पे। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनका दर्शन करूँ और फिर मैं आशीर्वाद लूँ। क्या करेंगे वहाँ जा कर के आप लोग, किस तरह की मन में धारणाएं हैं, सहनाई आदत आपका ये जो कार्य है, तो सहनाई पेश करेंगे वहाँ? बिल्कुल पेश करेंगे और जो है मैं उनसे आशीर्वाद लूँगा, अपनी सहनाई बजा कर मैं बजाऊँगा, रामधूम बजाऊँगा, उनका एक मंगल धूम बजाऊँगा, सुबह होगा या शाम को होगा उसका अलग अलग होता है, रूप होता है मंगल धुनी का, उसका नाम है राग होता है। सुबह सुबह का राग है, भैरव है, भैरवी है, लिलित है, चोड़ी है, मिली चोड़ी है, सारे बहुत राग हैं। शाम को राग है यमन है, यमन कल्याण है, कदार है, दिगवंती है, बहुत से रागों हैं। जिस समय का कार्यक्रम होगा सुबह शाम उसी अंदाज से मैं बजाऊँगा और उसके बाद मैं रामधुन बजाऊँगा। कितनी खुशी होगी देश के लिए अगर इस तरह का मौका? देश के लिए बहुत खुशी हमको है, सभी को खुशी है, इंसान के अंदर पूरी भारत में खुशी है। हमको तो बहुत खुशी है कि मैं स्थान में जाऊँ, उनका मैं दर्शन करूँ राम लला का। कितने लोगों के सामने आपकी प्रस्तुति होगी? अब पूरी दुनिया देखेगा हमको, उनके आशीर्वाद जाएगा तो हमको पूरी वर्ल्ड में देखेगा, पूरी यहाँ से लेकर विदेशों से देखेंगे लोग। अब बहुत खुशी की बात हमको है कि हमारे लला जी जो है अपने विराजमान हो रहे हैं। अब मोदी जी हमारे जो हैं प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, योगी जी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है देश के लिए, सभी को खुशी हो रहा है। अब उनका अध्ययन उनका है, देन है कि सारे हिंदुस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं भारत के अंदर।